नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपकी लास्ट जीडी की एज है, क्या आपकी लास्ट भर्ती है, इसके बाद आपके पास चांस नहीं है इंडियन आर्मी भर्ती होने का। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आए हैं और आप इसे एक बैड न्यूज भी समझ सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। पर यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं कि आप सभी के काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर बताइए क्या होने वाला है, भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे सारे डाउट्स आज आप सभी के क्लियर होने वाले हैं। अगर गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप में से ही कई ऐसे युवा थे जिनकी लास्ट जीडी थी, लास्ट भर्ती बची हुई है और वह काफी टेंशन में थे, काफी टेंस थे कि अगर इस साल भर्ती नहीं आई तो मेरे हाथ से भर्ती होने का मौका चला जाएगा। तो उस टेंशन में कई सारे युवाओं ने कई एप्लीकेशंस डाली थी अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग बीआरओस में और अलग अलग एआरओ में। तो वहां से उनको रिप्लाई मिला, कई युवाओं को रिप्लाई मिला और कई युवाओं को रिप्लाई नहीं मिला। जिन युवाओं को रिप्लाई मिला वह आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक बंदा था अमर सिंह कोसवा करके। उसका फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इंडियन आर्मी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसे दिए, क्या क्या नोट्स उसे दिया। तो यहाँ पे बताया गया है 24 जुलाई 2020 को उसने एक कंप्लेंट डाली, तो उसका बाद इंडियन आर्मी ने उसको रिप्लाई दिया। सेकंड पॉइंट में इंडियन आर्मी ने क्या कहा कि एक जो घिसा पीटा रीजन होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी भर्ती की स्टार्टिंग डे से काउंट होती है, एक कट ऑफ होता है, जैसे कि 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल के बीच में आपकी डेट आनी चाहिए, डेट ऑफ कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। तो ये एक्सप्लेन कर दिया इंडियन आर्मी ने। सेकेंड जो पॉइंट इंडियन आर्मी डिस्कस किया कि आपकी जो भर्ती होती है भारतीय सेना जो है अंडर हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसे रिक्रूटमेंट कंडक्ट करानी ही होती है। एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूं, जैसे कि 1 अप्रैल 2020 से के बाद जो रैली आएगी वह जो भी रैली है, जैसे कि आपकी मुंबई की है, आपकी गुजरात की है, अहमदाबाद की है, कहीं की भी भर्ती क्यों ना हो, वह 31 मार्च से पहले आ जाएगी। 31 मार्च 2021 से पहले सारी भर्ती आयोजित करा के लेनी होती है। यह आगे से ऑर्डर होता है सभी एआरओस को, सभी सेंटर्स को, सभी बीआरओस को। तो यहां पे एक बात आप सभी की क्लियर हो गई होगी कि 31 मार्च से पहले सभी सेना रैली भर्तियां आयोजित करा के लेगी भारतीय सेना, जो कि उन्होंने सेकेंड पॉइंट में ही नीचे क्लियर कर दिया है कि 31 मार्च से पहले आप सभी की सारी भर्तियां आ जाएगी, आप सभी की भर्ती आ जाएगी, जो कि 31 मार्च 2021। तो थोड़ा सा जो आपको नोटिस दिख रहा है उसमें 20 लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब मिस्टेक्स हो सकती है, जो कि 31 मार्च 2021 है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि इंडियन आर्मी किसी प्रकार का आपको रिलैक्सेशन नहीं देगी, एज में छूट नहीं देगी। अगर इंडियन आर्मी 31 मार्च 2021 से पहले रैली आयोजित करा लेती है, अगर 31 मार्च 2021 से बाद अगर रैली आयोजित करती है इंडियन आर्मी, तो आपको यहां पे एज में छूट दी जा सकती है। क्योंकि इंडियन आर्मी ने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि वी विल मींस एग्जामिन करेंगे उस इश्यू को, अगर लगता है इंडियन आर्मी को एज में छूट दी जानी चाहिए तो इंडियन आर्मी जरूर देगी आप सभी को छूट। क्योंकि इंडियन आर्मी अगर आपको रिप्लाई दे रही है तो इसका मतलब वह चाहती है आपको सिलेक्ट करना, और उनके मन में जो है कि किसी भी लड़के की आस ना टूटे, किसी भी लड़के का सपना ना टूटे। इसलिए जिन युवाओं की एज अभी बची हुई है, लास्ट भर्ती है और लास्ट जीडी की एज बची हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको मौका दिया जाएगा, आपको चांस दिया जाएगा। केवल दो ही स्टेटमेंट के जरिए मैं आज आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप जो आपकी जो एज है अगर COVID-19 के चलते अगर भर्ती नहीं आती तो फिर आपको चांस दिया जाएगा। अगर भर्ती पहले ही आपकी आयोजित हो जाती है, सेकेंड पॉइंट में यही कहना चाहूंगा कि भर्ती अगर 31 मार्च से पहले आ जाती है तो आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाने वाली। जो ऑलरेडी आवर एज हो चुके हैं और तलाश में बैठे हैं कि इस साल हमें मौका मिल सकता है भर्ती होने का, तो उनको यहां पे मौका नहीं देगी भारतीय सेना। यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि जिनकी पहले ही आवर एज हो चुके हैं जो बच्चे, वह चाह रहे हैं कि इस साल उनको मौका मिल जाए, इसलिए कई सेंटर्स पे ऐसी भी एप्लीकेशंस गई है जो कि ऑलरेडी आवर एज हो चुके हैं और आवर एज होने वाले हैं, उनको तो चांस यहां पे पूरा मिलने वाला है। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि भर्ती सभी की आएगी और एज आपकी जो छूट है वो तो नहीं मिलेगी, पर आपकी भर्ती आयोजित भारतीय सेना करा के लेगी। तो आप सभी को किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुझे भर्ती होना है और इस साल भर्ती होना है, आप होके निकलोगे।
बस आप अपने फोकस पर रहें और अपनी जो तैयारी आप जी जान से कर रहे हैं एकदम फोकस्ड होकर आप मोटिवेट होकर तैयारी करते रहें, और नेगेटिव जो माइंड में आपके चल रहा है वह सब आप नेगेटिव ना डालें किसी का सुन के या फिर फ्रेंड का सुन के कि भर्ती नहीं आएगी वो नहीं आएगी, आप दिमाग में डाले ही ना वो चीज। अपना काम है मेहनत करना और आप मेहनत करो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, जो कि स्टेटमेंट आज आप सभी के सामने दिखाई दिया हमने कि कैसे इंडियन आर्मी ने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, उसमें कुछ नहीं था केवल इतना ही था कि आपकी भर्ती आएगी तो आपको एज में छूट नहीं दी जानी, अगर नहीं आती तो आपको एज में छूट दी जाएगी, केवल दो ही स्टेटमेंट इसमें कहा गया है। तो आप सभी समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद जय भारत।